झारखंड प्रदेश के ऊर्जावान लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, माननीय मंत्री सत्यानंद भोक्ता जी, माननीय मंत्री श्री मिथिलेश ठाकुर जी, मुख्यमंत्री के सचिव श्री विनय चौबे जी, प्रमंडल के आयुक्त डीआईजी डीसी एसपी साहब अभिषेक पिंटू जी, नगर पंचायत के अध्यक्ष महोदया, सम्मानित मंच, उपस्थित भाइयों बहनों, नौजवान साथियों, प्रेस मीडिया के सम्मानित सदस्य, आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन, ढेर सारी शुभकामनाएं। ये कार्यक्रम पिछले साल भी शुरुआत हुआ था और इस बार भी दूसरा चरण में प्रवेश करके ये 14 तारीख तक चलेगा। हमारी सरकार आज से करीब 3 साल पहले हेमंत जी के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार बनी। इन 3 सालों को अगर दिल से दिमाग से अगर आप सोचकर देखेंगे तो आपको देखने मिलेगा कि हेमंत जी के नेतृत्व की सरकार जो है इन 3 सालों में नए नए आयाम और नए अध्याय लिखने का काम किया। गिनाने से तो बहुत हम गिना देंगे, लेकिन मुख्तसर हम कहना चाहते हैं कि इन 3 सालों की हेमंत जी का जो कार्यक्रम है, कर्मसूची जो रखा है और उन्होंने जो किया है, ये मिसाल है झारखंड के लिए। बखूबी हम कह सकते हैं कि 20 सालों की सरकार हमने देखा और 3 साल बनी हुई सरकार को अगर हम दोनों का अगर अवलोकन और उस पर हम समझा करते हैं, उस पर आलोकपात करते हैं, उसको देखते हैं, तो हमें देखने में फर्क मिलेगा, आपको फर्क मिलेगा। हमने देखा इन 3 सालों में जब हमारी सरकार आई, बस सरकार आने के बाद चारों तरफ महामारी और महामारी छा गया। एक तरफ हजारों हजार लाखों यहाँ की जो है हमारे भाइयों ने बाहर काम के लिए गए थे, चारों तरफ अर्थतंत्र भी मचा हुआ था, चारों तरफ लोग सन्नाटा छाया हुआ था, गांव के इस गांव के लोग उस गांव में नहीं जा पा रहा था, कोई हॉस्पिटल नहीं जा पा रहा था, कहीं रोजगार नहीं मिल पा रहा था, एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था, लेकिन हेमंत जी की सरकार ने सारे समस्या को निदान करने के काम हेमंत जी ने किया। चाहे रेल से हो, चाहे हवाई जहाज से हो, चाहे मोटर से हो, चाहे जैसे भी हो, लोगों को झारखंड में लाने के काम हेमंत जी ने शुरू किया था और सबको लाया। ग्रामीण विकास मंत्री के होने के नाते माननीय हेमंत जी के नेतृत्व में उनकी सलाह से हमारे विभाग में एक नई योजना लाकर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को देने के काम किया, ताकि एक भी लोग भूखे बेलाज नहीं मरे और उदाहरण एक भी लोग भूखे नहीं मरे थे उस महामारी के दौरान। सच्चाई है, आप सब भी जानते हैं। हम लोगों ने गांव-गांव में सखी मंडल के द्वारा गांव-गांव में भेजकर वो कैसे है नहीं है उसका भी रिपोर्ट हम लेते थे, किसके घर में अनाज पहुंचा नहीं पहुंचा लेते थे, और जो बाहर से आए हैं जिन लोगों ने हॉस्पिटल में एडमिट थे वैसे लोगों को चिन्हित करके वहीं पर हॉस्पिटल में जॉब कार्ड देने की हम लोगों ने काम किया, ताकि उसका रोजगार मिले, ताकि वो बाहर नहीं जाए, ताकि उसके परिवार जो है बढ़िया से चले। ये काम हेमंत जी के नेतृत्व में, हेमंत जी के कुशल नेतृत्व के कारण ये हो पाया। लेकिन आज
अगर हर चीज को आप देखें तो कहीं ना कहीं उलझने हैं। हम जो करने चाहते हैं तो कहीं ना कहीं से मुझे दबाने की काम किया जा रहा है, कहीं ना कहीं हमें विपक्ष की ओर ले जाने की काम कर रही है। लेकिन हम 3.75 करोड़ जनता ने एक गठबंधन का आशीर्वाद दिया है। उस आशीर्वाद अरुण की पसीना अरुण का विश्वास कभी भी हम जो है विश्वास जो डाला है उसको नकारने नहीं देंगे। और जितना भी बताया है हम उनके लिए समर्पित है, सरकार समर्पित है, हेमंत जी समर्पित है, गठबंधन की समर्पित सरकार समर्पित है। आपका काम हम करते रहें चाहे आंधी और तूफान और जिस भी तरह हमें दबाने और हमें कुचलाने की काम करें, फिर भी हम रोकने वाले गठबंधन की सरकार नहीं है। हम आगे काम करते रहेंगे, हम आए आपके लिए। और जो भी हमें दिखाई दिया ये काम धरातल पर करना चाहिए और ये काम करने से यहाँ पर सैकड़ों नहीं लाखों लोगों को इसे भलाइयों का वो काम हेमंत जी ने गठबंधन की सरकार ने करने की काम किया। मिसाल के तौर पर एक छोटा सा उदाहरण देंगे और कुछ बात बोलकर हम अपने विचारों को समाप्त करना चाहिए। सर्वजन पेंशन यानी झारखंड की जो भी 60 साल के ऊपर महिला हो चाहे पुरुष हो, सारे लोगों को पेंशन देना होगा। पहले क्या आप लोग भी पेंशन कराते थे? हर एक दल के जनप्रतिनिधि है, जिला परिषद का नेता है, मुखिया है, सारे लोग को पूछिए, नहीं हो पा रहा। क्यों? इसलिए नहीं हो पा रहा था उसके आय इनकम सर्टिफिकेट चाहिए। तो एक महिला जिसका शौहर मर गया, पति मर गया, लेकिन उसका उम्र 22 साल है, 24 साल है, उसको नहीं मिलेगा। सारे बंधनों को हेमंत जी ने शिथिल करते हुए तमाम लोगों के लिए जो है यूनिवर्सल पेंशन, सर्वजन पेंशन देने की काम किया। आधार कार्ड के साथ आवेदन आप दे, आपको हर महीना 1,000 रुपया करके मिलेगा। हमारी सरकार ये भी चाहती है हर एक जो वर्ग के लोग जो नौकरी करते हैं उन्हें हर महीना 7 तारीख 10 तारीख को उनका पैतृक उनको मिल जाता है। सरकार ये भी करने की कोशिश कर रही है वो बहन माँ भाई वो विकलांग वो विधवा जो है वो भी सुनिश्चित रहे कि हर महीना के 7 या 10 तारीख को 1,000 रुपया बैंक के खाता में हमारा आएगा। ये भी करने की काम हमारी सरकार ने किया। दोस्तों हम लोगों ने एक नहीं बहुत योजना चलाए, चाहे स्कूल का बच्ची हो, चाहे हमारा जो प्रदेश है खेल के मामले में पूरे दुनिया में क्या पूरे देश में नाम पहचाना जाता है। प्रतिभा हमारे जहां छुपा हुआ है जो उसको निकाल कर लाना है, तरसना है, वो काम कोई भी सरकार नहीं कर पाई। लेकिन उन्होंने हमारे विभाग से उन्होंने हेमंत जी का दिमाग का उपज है, उन्होंने क्या पोटो हो खेल योजना के तहत यहाँ के नाम जो बच्चे बच्चिया है जो खेल में प्रतिभा है वही से लोगों को वही से खिलाड़ी को वही से बच्ची को वही से लड़के को हम बाहर लाना हो। उन्होंने पोटो हो खेल योजना के तहत हर पंचायत हर ब्लॉक में एक खेल के मैदान बनाने की काम किया और हर ड्रेसिंग रूम और जो भी सुविधा देना वो भी काम किया ताकि हम जान रहे झारखंड में आज भी हुनर बच्चा है जो उसको सही प्लेटफॉर्म नहीं मिलने के कारण वो गुमराह के रास्ता में चले जाते हैं, अंधकार के रास्ता में चले जाते हैं, उसके पहचान नहीं हो पाता है। उस पहचान को बनाने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री ये लोग काम करने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत हद तक सफल हुए। जो गरीब बच्चे जो कभी नहीं सोचते थे कि हम जाकर दिल्ली में कैसे पढ़े, हम जाकर कैसे दूसरे यूनिवर्सिटी में पढ़े, लेकिन हेमंत जी ने अपने दिमाग और सूझबूझ के साथ उन्होंने यहाँ के लोगों को यहाँ के बच्चों को यहाँ के बेहद बच्चों को बाहर विदेश में पढ़ाने के लिए वो कार्यक्रम लिया और बहुत सारे ढेर सारे बच्चे भी बाहर गए हैं, ये भी हम आप लोग जानते हैं। इसी तरह एक नहीं अनेक कार्यक्रम हमारी सरकार ने शुरुआत किया है। अगर हम बोले तो हमारा विभाग से हम एक नहीं अनेक जैसे आपका बिरसा हरित ग्राम योजना हम लोग ने शुरुआत किए थे ताकि हर गांव में यहाँ के लोगों को चाहे सरकारी हो चाहे बेसरकारी हो सभी को फलदार पेड़ लगाने का एक हम अभियान चलाए थे और सैकड़ों सैकड़ों लाखों लाखों फलदार पेड़ आज पूरे झारखंड में बनकर तैयार है। आने वाले समय में वहां पर फल देगा हरित ग्राम योजना।
उसी तरह नीलांबर कुचंबर योजना के तहत हमने वो योजना लिए थे ताकि किसानों को जो नाला बंद पड़ा हुआ, जो सिंचाई नहीं हो रहा था, वैसे नाला को जीर्णोद्धार करके आने वाले समय में जब वर्षा नहीं होगा उस वक्त भी पानी सींच कर वहां का सिंचाई करके वो कुछ ना कुछ पटवन करके चाहे वो खरीफ हो चाहे धान हो कोई फसल उगा सकता है। वैसे भी हमने काम किया। इसी तरह दीदी बाड़ी योजना हो, चाहे दीदी बगीचा योजना हो, चाहे फूलों जानो आशीर्वाद योजना हो, ये सारी योजना हम लोग चलाने की काम किया। उसके बाद अंत में ताकि हम सुखी और स्वावलंबी हो, हमारे बच्चे अच्छा स्कूल में पढ़े, हमें भी रोजगार मिले, उसको नहीं सचीज करने से हमें अच्छा हो सकता है। हम लोग देखते हैं कि हमारे गांव में हर बहुत तरह के लोग जो है चीजें बनाती है, लेकिन उसको इकट्ठा करके उसको ले जाकर अगर एक मार्केटिंग के माध्यम से अगर उसको आप पैसा घर में जाकर देते हैं उससे स्वावलंबी हो सकता है। और उसी के तहत कोला स्टैंड हम लोगों ने लॉन्च किया। आज हर एक प्रखंड में, हर एक जिला में, सभी जिला में अभी प्रखंड में नए तरह से खुला जा रहा है। जो भी मधु, तेल, आटा, चावल जो भी बनाते हैं उसको हम लोग आपसे खरीद कर बेचने के बाहर प्रदेशों में बेचने की काम कर रहे हैं ताकि उसको घर बैठे पैसा मिले। इस तरह के कार्यक्रम हम चला रहे हैं। बस अपनी बातों को समाप्त करने के पहले मैं आप लोगों से आवेदन और निवेदन करना चाहेंगे कि अब पिछले 2019 के चुनाव में आप लोगों ने दिल भर कर हम लोगों का आशीर्वाद दिए थे। आज भी हम यही चाहेंगे कि आपका सेवक के रूप में हम लोग काम करते आ रहे हैं, जितना भी बाधाएं कठिनाई हो हम लोग जो वचन दिए हैं, जो आपके साथ हमने कमिटमेंट किए हैं उसका पूरा करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि झारखंड के तमाम लोग गठबंधन को हमेशा और आने वाले समय में भी हमें आशीर्वाद देते रहेंगे। इस आशा और भरोसा के साथ मैं अपने विचारों को समाप्त करते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।